दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ऋषभ पंत को जब से रिलीज किया था तब से यही सस्पेंस था कि अब वो किस टीम का हिस्सा होंगे। आज इस पर बना सस्पेंस खत्म हो गया है और पंत नई टीम का हिस्सा बन गए हैं। आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी जारी है। शुरू में 12 मार्की खिलाड़ियों पर बोली लगी। इस बार मार्की खिलाड़ियों की सूची में 7 भारतीय और 5 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी क्रिकेट जगत में काफी लोकप्रिय हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों में T20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया। इनमें सभी की नज़र ऋषभ पंत पर थी। पंत को नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज किया था। उन पर बड़ी बोली लगनी तय थी और ऐसा ही हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा। 2016 के बाद पहली बार पंत दिल्ली के अलावा किसी और टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। पंत हाल फिलहाल में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पिछले साल कार दुर्घटना के बाद वापसी करते हुए खूब रन बनाए। लखनऊ की टीम उन्हें कप्तान बना सकती है। पंत इस तरह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ दिया है जो थोड़ी देर पहले ही 26 करोड़ 75 लाख में बिके थे। ऋषभ पंत के लिए लखनऊ और आरबीसी के बीच शुरुआत में जंग देखने को मिली। पंत 2 करोड़ रुपए के आधार मूल्य के साथ नीलामी में उतरे थे और कम ही समय में उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। इस दौरान हैदराबाद भी दौड़ में शामिल हुई लेकिन लखनऊ ने बाजी मार गई। नीलामी टेबल पर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन और लखनऊ के मालिक संजय गोयनका लगातार पंत के लिए बोली लगाते रहे और देखते ही देखते कीमत 17 करोड़ के पार पहुंच गई। हैदराबाद और लखनऊ यहां भी नहीं रुके और पंत पर बोली बढ़ती रही। लखनऊ ने पंत के लिए 20 करोड़ 75 लाख रुपए की बोली लगाई और हैदराबाद ने हाथ वापस खींच ली। हालांकि दिल्ली ने आरटीएम का इस्तेमाल किया। इसके बाद लखनऊ ने पंत के लिए 27 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया और दिल्ली ने अपने हाथ पीछे कर लिए। इस तरह पंत 27 करोड़ रुपए में बिके और लखनऊ ने उन्हें आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर खरीद लिया। पंत तीनों ही प्रारूप के बड़े खिलाड़ी हैं और उनके पास लंबे समय तक कप्तानी करने का अनुभव भी है। पंत ने 2016 से अब तक 111 आईपीएल मुकाबले खेले हैं और वह 8 बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीत चुके हैं। पंत विकेट के पीछे भी अहम साबित होते हैं। दिल्ली के पास हालांकि पंत के लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करने का विकल्प भी उपलब्ध था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टीम से अलग होते वक्त पंत और दिल्ली फ्रेंचाइजी के रिश्तों में दरार आ गई थी। यहाँ तक कि हाल ही में पंत ने भी कहा था कि उन्होंने दिल्ली का साथ पैसों के लिए नहीं छोड़ा है। बता दें कि यह धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज भारत के लिए हर प्रारूप में खेलता रहा है। टेस्ट क्रिकेट में बड़े स्तर पर खुद को साबित करने वाले पंत का T20 खेल भी उतना ही दमदार है। उन्होंने 76 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में औसत और लगभग 128 के स्ट्राइक रेट से 1209 रन बनाए हैं। इनमें 3 अर्धशतक शामिल है। उनके ओवरऑल T20 नंबर कहीं बेहतर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और लीग T20 क्रिकेट को मिलाकर 202 मैचों में 31.78 की औसत से 145 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 5022 रन बनाए हैं। इनमें 2 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। पंत ने 2016 से अपने अब तक के पूरे आईपीएल करियर के दौरान दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के लिए 110 मैचों में 35.31 की औसत से 1 शतक और 18 अर्धशतक के साथ 3,284 रन बनाए हैं। उन्हें 2021 में टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था और उसी सीजन में उन्होंने अपनी टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया था। 2022 में पंत कार दुर्घटना का शिकार हुए थे। इसी साल आईपीएल में उन्होंने वापसी की थी। पंत साल 2024 में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 13 मैचों में 40.54 की औसत और 155.40 के स्ट्राइक रेट से 446 रन बनाए थे। इनमें 3 अर्धशतक शामिल हैं और नाबाद 88 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा था। लेकिन जिस तरह से नीलामी हुई यहां पर ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके और ये अब तक आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ी बोली रही। यानी कह सकते हैं कि ऋषभ पंत ने आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में नया रिकॉर्ड और नया कीर्तिमान बना लिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkc.com। धन्यवाद।